गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। अर्थशास्त्र की प्रकृति से हमारा अभिप्राय ये है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है या एक कला। तो विज्ञान भी हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा सामाजिक विज्ञान और दूसरा होता है भौतिक विज्ञान। तो पहले हम बताएंगे कि विज्ञान का क्या अर्थ है। विज्ञान का अर्थ है कि किसी तथ्य को जानना। ज्ञान का जो क्रमबद्ध रूप होता है उसको विज्ञान कहते हैं। तो साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हैविंग केस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कंसर्निंग अ पर्टिकुलर फिनोमेना। इस प्रकार से ईंटों के ढेर को हम मकान नहीं कह सकते, उसी प्रकार सिर्फ तथ्यों को इकट्ठा करना विज्ञान नहीं कहलाता। उसमें ज्ञान को क्रमबद्ध किया जाता है, उससे की सत्यता की जाँच की जाती है, फिर कोई नियम तैयार होता है, उससे हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान में क्या होता है, पहला कदम, पहले क्रमबद्ध ज्ञान में हमारा ज्ञान तो बहुत सारी चीजों का होता है, लेकिन सारा ज्ञान विज्ञान नहीं कहलाता, सिर्फ प्रूड ज्ञान जो है वही विज्ञान का हिस्सा बन पाता है। उदाहरण के तौर पर हम कहेंगे कि जैसे हमने चाय बनानी है, पहले हम आधा घंटा तक दूध को बॉयल करते गए और लास्ट में उतारते वक्त हम क्या करते हैं, उसमें चीनी पत्ती वगैरह डाल के उतार लेते हैं। तो वो हमें ज्ञान है कि एक चाय बनाने में ये जो है पदार्थ लगते हैं, लेकिन जब हमें ये ज्ञान नहीं है कि पहला कदम कौन सा पहले आना चाहिए और लास्ट का कदम कौन सा लास्ट में होना चाहिए, तो वो हमारा क्रमबद्ध तरीका नहीं है। तो ज्ञान का क्रमबद्ध रूप ही विज्ञान कहलाएगा। फर्स्ट स्टेप हम पहले लेंगे, उसके बाद दूसरा और उसके बाद तीसरा। इस प्रकार से पहले भी हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी थी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम, बनाने से पहले हमें इस बात की जानकारी थी कि हम अपना कोई भी वस्तु ऊपर फेंकेंगे वो जब नीचे गिरेगी टूट जाएगी। कोई अपना कांच का गिलास ऊपर नहीं फेंकता था, उसको पता है कि ऊपर फेंकेगा नीचे आएगा, वो गिर के टूट जाएगा। लेकिन वो गुरुत्वाकर्षण का नियम तभी बना जब न्यूटन ने ये पता लगाया कि धरती में गुरुत्वाकर्षण है, वो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है और इसके कारण जो है हर वस्तु जो ऊपर फेंकी जाती है वो नीचे गिरती है। तो विज्ञान में कोई ना कोई कारण और कोई उसका कोई परिणाम होता है। तो ये मानते हैं हम कि अर्थशास्त्र भी क्या है, एक विज्ञान है। लेकिन विज्ञान हमने कहा कि दो प्रकार का होता है, भौतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र कौन सा विज्ञान है? अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान वो विज्ञान होता है जिसमें समाज में रहने वाले जो मनुष्य है उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, या तो मनुष्य का मनुष्य की क्रियाओं के साथ अध्ययन किया जाता है या मनुष्य का किसी पदार्थ के साथ अध्ययन किया जाता है। लेकिन एक तरफ मनुष्य अवश्य ही होता है, जिस प्रकार उपभोग है, लेकिन उपभोग करने वाला एक मनुष्य होता है। हम मानते हैं कि मनुष्य में भावनाएं हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। तो सामाजिक विज्ञान में हमारी भावनाएं होती हैं, मनुष्य होता है, उनका अध्ययन किया जाता है। अब हम अर्थशास्त्र क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है। उत्पादन, उपभोग, निवेश, विनिमय, इन सारी क्रियाओं का जब अध्ययन किया जाता है तो उन्हें करने वाला मनुष्य होता है। इन सामाजिक विज्ञान के परिणाम हमारे कभी भी 100% शुद्ध नहीं होते, उनमें थोड़ी बहुत 2% 3% की कमी हो पाई ही जाती है। यदि इतनी कमी पाई जाए फिर भी हम उनको क्या मान लेते हैं, पूर्ण रूप से सत्य मान लेते हैं। अब सामाजिक विज्ञान होने के नाते अर्थशास्त्र में एक ये नियम है, मांग का नियम। उसमें क्या होता है कि जैसे ही कीमत बढ़ती है हम कहते हैं कीमत बढ़ेगी, अन्य बातें समान रहने पर जब कीमत बढ़ेगी मांग कम होगी, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता। तो इसमें हम एक आध वस्तु की ऐसी होता है कि कीमत बढ़ती है फिर भी मांग बढ़ जाती है, लेकिन हम उसको सत्य मानते हैं क्योंकि हमने कहा कि भावनाएं जो है वो अपना रोल अदा करती हैं। तो थोड़ा बहुत इसमें यदि हमारी 1-2% की कमी भी होती है तो भी हम नियमों को सत्य मान लेते हैं। लेकिन भौतिक विज्ञान में हम नियमों को प्रूव करके देख सकते हैं, उनकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र क्योंकि एक सामाजिक विज्ञान है, इसमें नियमों की सत्यता की जांच लैब में नहीं करके देख सकते। हाँ, निरीक्षण विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं, जिस तरह H2+O H2O पानी बन जाता है, ये लैब में हम प्रूव करके देख सकते हैं। क्योंकि भौतिक विज्ञान में क्या होता है, वस्तु का वस्तु के साथ अध्ययन किया जाता है, जहाँ लैब में टेस्ट होते हैं और नियम 100% शुद्ध होते हैं। भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, ये सभी क्या है, हमारे वास्तविक विज्ञान होने के साथ साथ हमारे वास्तविक विज्ञान है,
जो अर्थशास्त्र है वो सामाजिक विज्ञान है, उसके सामाजिक विज्ञान होने के पक्ष में कुछ तर्क भी दिए जाते हैं। पहला तर्क है कि इसमें तथ्यों का कर्मागत अध्ययन किया जाता है। कर्मागत का मतलब है कि एक के बाद एक कर्मवार अध्ययन किया जाता है, एक दूसरे से संबंधित जो घटनाएं उत्पादन है, उपभोग है, विनिमय है, इनका लगातार अध्ययन किया जाता है। फिर दूसरा इसमें कारण और परिणाम संबंध, जिस तरह विज्ञान में होता है तो अर्थशास्त्र में भी एक कारण होता है, दूसरा उसका परिणाम होता है। उदाहरण के तौर पर मांग के नियम में कीमत का बढ़ना एक कारण है और मांग का घटना उसका परिणाम है। उसी प्रकार पूर्ति के नियम में कीमत का बढ़ना एक कारण है और उसके साथ साथ पूर्ति का बढ़ना एक परिणाम है। तीसरा है हमारी सत्यता की जांच। अर्थशास्त्र में भी नियमों की सत्यता की जांच की जा सकती है। इसके नियमों की सत्यता की जांच हम लैब में नहीं लेकिन निरीक्षण विधि के द्वारा हम कर सकते हैं। बाजार में जाकर हमने कीमत बढ़ने पर मांग घटी या नहीं घटी, ये हम रेहड़ी वालों से या जो फ्रूट सेलर्स हैं, यदि किसी फ्रूट की जाननी है, हमें जानना है कि संतरे जब महंगे थे तब उनकी मांग कितनी थी, अब सस्ते हो गए तब उनकी कितनी है, तो ये जानने के लिए हम बाजार में व्यक्तियों से पूछ करके, दुकानदारों का अध्ययन करके इस बात का पता लगा सकते हैं। तो ये कह सकते हैं हम कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। फिर अर्थशास्त्र एक भौतिक विज्ञान नहीं है, हमने कहा रसायन शास्त्र है ये भौतिक विज्ञान है, तो अर्थशास्त्र एक भौतिक विज्ञान क्यों नहीं है, वो भौतिक विज्ञान क्यों, क्योंकि उनके नियम जो है वो सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक का अर्थ है कि वो जगह बदलने पर, समय बदलने पर बदलते नहीं है। H2O plus O H2O बनता है, ये चाहे यहाँ पर करें या अमेरिका में करें वही रहेगा। लेकिन हमारे नियम जो है अर्थशास्त्र के नियम है वो सार्वभौमिक नहीं है, वो जगह बदलने पर, समय बदलने पर बदल जाते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ हमारी रुचियाँ, हमारी आदतें वो सभी परिवर्तित हो जाती हैं। फिर इन नियमों के आधार पर जो रसायन शास्त्र की नियम है उनके आधार पर जो भविष्यवाणी की जाती है वो बिल्कुल सही होती है, लेकिन अर्थशास्त्र के हिसाब से हम जो भविष्यवाणी करते हैं वो पूर्ण रूप से सही होगी ये कोई जरूरी नहीं है। कई बार वो भविष्यवाणी सही नहीं निकलती। उदाहरण के तौर पर हमने ये कहा जब जब कीमत बढ़ेगी मांग घटेगी, लेकिन इसको पूरे रूप से, पूर्ण रूप से लागू होगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है युद्ध वगैरह की संभावना हो जाती है, वस्तु की कमी होने की संभावना होती है, तो अधिक कीमत पर भी मांग अधिक की जा सकती है। तो अन्य बातें समान होगी तभी वो शर्त, अन्य बातों की शर्त पर ही वो कंडीशन लागू होती है कि जब जब मांग बढ़ेगी, जब जब कीमत बढ़ेगी मांग घटेगी, वरना वो बात लागू नहीं हो पाती। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो एक सामाजिक विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान है, लेकिन भौतिक विज्ञान नहीं है। अब हमने कहा कि आदर्शात्मक विज्ञान क्या है, वास्तविक विज्ञान क्या है। आदर्शात्मक विज्ञान और वास्तविक विज्ञान में भी अंतर है। वास्तविक विज्ञान वो होता है जो तर्क पर आधारित होता है, जो वास्तविक घटनाओं का वास्तविक वर्णन करता है, तो तार्किक होता है, इसलिए वो बढ़िया भी है क्योंकि तर्क पर आधारित जो बात होती है वो वास्तव में सही होती है। और आदर्शात्मक तो कई बार हम अपने आदर्श स्थापित करते वो सही नहीं भी होता। तो ये क्या है, क्या था, क्या होगा की समस्या का समाधान करता है। अर्थशास्त्र हमें बताता है कि बेरोजगारी क्या थी, क्या है और क्या होने वाली है। तो वो विज्ञान जो घटनाओं का वास्तविकता का वर्णन करता है उसको वास्तविक विज्ञान कहते हैं। यह क्या, क्या, क्यों, कैसे का अध्ययन करता है। तो अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। वास्तविक विज्ञान के रूप में ये हमें अर्थव्यवस्था में जो समस्याएं हैं उनकी वास्तविकता से हमें परिचित करवाता है। फिर अब हमारा आदर्शात्मक विज्ञान। आदर्शात्मक विज्ञान क्या होता है। आदर्शात्मक विज्ञान वो होता है जो आदर्शों की स्थापना करता है, जो क्या होना चाहिए किस समस्या का समाधान करता है, जो हमें बताता है कि हमें इस समस्या का समाधान कैसे किया जाना चाहिए। तो अर्थशास्त्र क्या एक आदर्शात्मक विज्ञान है, तो जवाब हमारा होगा हाँ, अर्थशास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान है, क्योंकि आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में हमें ये समस्याओं का समाधान सुलझाता है, समस्याओं का समाधान बताता है हमें, कि सुझाव देता है हमें कि हमें ये करना चाहिए। जिस प्रकार से फिलहाल हमारी समस्या है प्याज की बढ़ती हुई कीमतें, तो इस प्रकार बढ़ती हुई कीमतों को रोकने किस प्रकार रोका जाए, ये समाधान हमें अर्थशास्त्र बताता है। अर्थशास्त्र हमें बताता है कि हमें निर्यात कम कर देनी चाहिए,
ताकि वो वस्तु हमारे देश में रहेगी तो लोगों की मांग को पूरा किया जा सकेगा। दूसरे देशों से आयात बढ़ा दिए जाने चाहिए, विदेशों से वस्तुएं आएंगी तो बड़ी हुई मांग को पूरा किया जाएगा। और जब वस्तु हमारे पास आ गई, ज्यादा हो गई, हमारी मांग के अनुसार होगी तो कीमतें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र दोनों ही है, ये एक वास्तविक विज्ञान भी है और ये एक आदर्शात्मक विज्ञान भी है। अब जो हमारा है कि क्या अर्थशास्त्र एक कला है, कला क्या होती है, ज्ञान का व्यवहारिक रूप से प्रयोग करना कला कहलाता है। तो ज्ञान तो हमें बहुत सारी चीजों का होता है, लेकिन जब तक हम उसको व्यवहार में प्रयोग नहीं करते वो किसी काम का नहीं होता। तो हमें मधुरी माँ में पढ़कर बहुत सारी चीजों का पता लगा लेते हैं कि मुझे ये बनाना आ गया, हलवा बनाना आ गया, या कोई अन्य पदार्थ हम सीख लेते हैं, लेकिन जब तक हम व्यवहार में उसका प्रयोग नहीं करते हमें वो चीज नहीं आती। तो वास्तव में व्यवहार, ज्ञान का व्यवहार में प्रयोग करना जो कला कहलाती है, उसी का वास्तविक अर्थ, उसका उस समस्या का समाधान तभी होता है जब हम उसका कला के रूप में प्रयोग करते हैं। तो अर्थशास्त्र एक कला के रूप में हमें ज्ञान का व्यवहार में प्रयोग करना सिखाता है। और हाँ, अर्थशास्त्र एक कला है। समस्या क्या है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये हमने वास्तविक विज्ञान ने बता दिया। और वास्तविक आदर्शात्मक विज्ञान ने सुझाव दिए कि उद्योगों की स्थापना ज्यादा करनी चाहिए, व्यावसायिक कोर्सेज होने चाहिए, रुचि के अनुसार जो बच्चे हैं उनकी अलग अलग कोर्सों में दाखिले होने चाहिए, जो सुझाव हमें सुझाए हैं कि ये बेरोजगारी। और वास्तव में जब हम उद्योगों की स्थापना अधिक मात्रा में करते हैं, व्यावसायिक कोर्सेज प्लस टू के बाद शुरू करते हैं, उस समस्या को निदान के लिए प्रयास करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, अर्थशास्त्र का एक कला का रूप है। तो हमने वास्तव में अर्थशास्त्र किसमें एक कला के रूप में प्रयोग किया है।